निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को मंत्री पद में जगह मिलने पर उनके क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। एक ओर जहां वो मंत्री पद का शपथ लिए तो वहीं दूसरी ओर उनके क्षेत्र में कार्यकर्ता पटाखे छोड़कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुमित सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन वो जदयू की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे जमुई जिला वासियों के लिए हर्ष की बात है कि एक युवा नायक जो कहे जाते हैं हमारे सुमित सिंह जी, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनके संघर्ष को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो धैर्य रख करके पूरे निष्ठावान के साथ अपने जनता के बीच में जाकर के उस चुनाव को लड़े, जनता का विश्वास को जीता। मोतिहारी गैंगरेप और हत्या मामले में फॉरेंसिक टीम ने इस घटनास्थल का दौरा किया। हत्या होने वाली जगह पर जाकर जरूरी सबूत इकट्ठा किए। FSL की टीम ने शवदाह स्थल जाकर जांच की, जहां से जला हुआ एक कपड़े का छोटा टुकड़ा भी जांच टीम को मिला है। दो सदस्य FSL टीम के साथ प्रशिक्षु DSP राजीव चंद सिंह, सुनील कुमार सिंह, ढाका पुलिस इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह मौजूद थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ गए हैं। जी धनंजय, क्या है पूरी जानकारी? मोतिहारी गैंगरेप और हत्या मामले में फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज FSL की टीम पहुंचकर वहां पे साक्ष्य को इकट्ठा किया है। धनंजय, फॉरेंसिक टीम ने कहां कहां जाकर चेक किया है, क्या क्या सबूत मिले हैं? टीम को युवती का अधजला जो हड्डी है और शेष है के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जलने वाले राख को भी उन्होंने अपने साक्ष्य के तौर पर इकट्ठा किया है, और भी जो भी लकड़ी वगैरह है उसको भी वो मुआयना कर रहे हैं। जी धनंजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं बाढ़ के समस्तीपुर गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने के दौरान जमीन के अंदर से 20 लीटर देसी और विदेशी शराब मिली है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है, जबकि अन्य संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है। छापामारी के दौरान लगभग 20 लीटर विदेशी और देसी शराब बरामद हुए हैं, जिसकी काउंटिंग अभी जारी है। इसमें जो अभियुक्त हैं उनका पता नहीं चल पाया है, वो फरार हो गए हैं। हम लोग उसका पता लगा रहे हैं, पता लगते ही हम लोग त्वरित कार्रवाई। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल तेल टैंकर में छिपाकर रखी गई 200 से अधिक कार्टून शराब को पुलिस ने बरामद किया है। शराब के साथ पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान और बंगाल के रहने वाले हैं। वहीं इस संबंध में सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि शराब की बड़ी खेप तेल टैंकर के अंदर तहखाना बनाकर लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। मैं कल मानिकपुर चौक पे एक टैंकर को सूचना के आधार पर, शराब की सूचना के आधार पर पकड़ा गया। बड़ी मशक्क़त के बाद आज उस टैंकर को खोलने में पुलिस को सफलता मिली। उस टैंकर से लगभग 200 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई है, जिसकी गिनती अभी चल रही है, और टैंकर से फिर दो गेट। झारखंड के सरायकेला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को पिंडरा बेरा जंगल में दोनों आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई थी। वहीं इस मामले में सरायकेला SP मोहम्मद अरसी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मधुबनी जिला के अंद्रामंट थाना के समीप एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें बाइक सवार तीन युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया है और तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। तीनों मृतक मधुबनी के खड़गपुर गांव के थे। मौके पर पहुंची पुलिस को आक्रोशित भीड़ का सामना करना पड़ा। आक्रोश को देखते हुए अंद्रामंट पुलिस को दूसरे थाना से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाना पड़ा, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित किया गया। मसौढ़ी में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला मसौढ़ी मेन रोड की है, जहां अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे शख्स की बाइक चोरों ने हॉस्पिटल के सामने से बाइक लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपनी बाइक को अस्पताल के सामने खड़ी कर अस्पताल के अंदर इलाजरत अपनी पत्नी के पास चले गए। आधे घंटे बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी बाइक अपनी जगह नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर बाइक चोरी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस अस्पताल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है।